मैं अल्लाह को गवाह करके को अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके, अपनी बार अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं, आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। मैं अल्लाह को गवाह करके आपको अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके, अपनी बार अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं, आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो।